तो गाइस चलिए आज के इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि जो आप सोयाबीन खाते हैं तो एक्चुअली में उसका खेती कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं ये सोयाबीन का पौधा है और इसमें जो फली लगा हुआ है उसमें सोयाबीन निकलता है। तो इस सोयाबीन को किस प्रकार से खेतों से अलग करके और इसका जिस प्रकार से देख सकते हैं एक मशीन के मदद से ऊपर से डाल करके और फिर यहाँ से सोयाबीन को कलेक्ट किया जा रहा है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। इसी के मदद से गेहूं और भी चीज़ निकाला जाता है इस मशीन के मदद से। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये सोयाबीन होता है। इसको कंपनियों में कई प्रोसेस से इसका ऑयल बनाया जाता है और जो हम लोग घरों में खाते हैं सोयाबीन का सब्ज़ी, तो एक्चुअली में वो क्या होता है, इसका खली होता है जो कि इसको ऑयल इसका निकाल करके और फिर इसको आटा बनाया जाता है और फिर उस आटे के मदद से सोयाबीन बनाया जाता है। तो गाइस इस प्रकार से इसका खेतों से इसका कलेक्शन करके और फिर यहाँ से लोग बेच देते हैं। तो गाइस सोयाबीन के मदद से कई सारे चीज़ बनाए जाते हैं, जैसे कि आप लोग नहीं जानते हों इसका गाइस दूध दही और पनीर, हाँ इससे दूध दही और पनीर बनाया जाता है। इसको मिक्सर में बहुत ही बारीक ग्राइंडिंग करके और अपने मुताबिक पानी उसमें मिला करके घोल लीजिए और जो भी चीज़ उसमें नहीं अच्छी तरीके से घुला हुआ है तो उसको किसी छननी के मदद से उसको छान करके और फिर आप उसको दूध के रूप में यूज कर सकते हैं और उसको गर्म जब करिएगा तो दूध की तरह उसमें छाली बनेगा और फिर उसको आप चाहें तो जैसे दूध को फाड़ते हैं इसको भी वैसे ही फाड़ सकते हैं। तो गाइस इसमें बहुत ही फ्रेश फली लगे हुए हैं जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो गाइस इसी प्रकार से और भी नए वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट।